महाराष्ट्र में लगातार पिछले चार दिनों से बेमौसमी बर्फबारी के कहर से भी धान की फसल सहित ब्याज किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के बागलाण, कलवण, सुरगाना, दिंडोरी सहित आदि तहसीलों में बारिश ने कहर मचा रखा है। किसानों की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इस बेमौसमी बारिश की वजह से गेहूं, चना, जो धान की फसल काटने आई थी, उसका भारी मात्रा में नुकसान किसानों को झेलना पड़ा। इसके साथ कलवण और बागलाण तहसील में प्याज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों की ओर पंचनामा करने की मांग की जा रही है। प्रशासन ने पिछली बार भी बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ था, उसके पंचनामे हुए थे, मगर अब तक किसानों को सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। वही पंचनामे सिर्फ एक दिखावा था, वो कागज पर ही रह गया, तो कहीं कागज की तरह दिखावे की इस बार न कर जाए। जहां बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करना बेहद जरूरी है। न्यूज़ इंडिया N9 महाराष्ट्र नासिक से दीपक देशमुख की रिपोर्ट।